नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। कोरोना को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में प्रमुख दो टेस्ट है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरी आरटीपीसीआर टेस्ट। तीसरी एंटीबॉडीज की, मगर वो ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उपयोग में नहीं ले। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ वायरस, मतलब वायरस के जो प्रोटीन्स है उसको डिटेक्ट करने की टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। वो टेस्ट का रिपोर्ट जल्दी आ जाता है, एक आधे घंटे में टेस्ट का रिपोर्ट आपको मिल सकता है, मगर वो इतनी रिलायबल नहीं है। 100 लोगों को यदि सिम्टम्स है, 100 लोगों को लक्षण है और 100 लोगों के हम टेस्टिंग करते हैं तो 50 लोगों में ही वो पॉजिटिव दिखेगा और 50 लोगों में टेस्ट निगेटिव आ सकती है, तो इसलिए वो इतनी रिलायबल नहीं है। रिलायबल टेस्ट है आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर क्या है, व्हाट इज आरटीपीसीआर? आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कोरोना में जो जीन्स है वो टेस्ट करने की, वो कितने हैं, और कोरोना का टेस्टिंग जीन्स के द्वारा करने की यह टेस्ट है। तो जैसे हमारे शरीर में डीएनए है, डीएनए होते हैं, और डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स वाले डीएनए है, और कोरोना वायरस में आरएनए होते हैं जिसका सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स आरएनए होते हैं, और कोरोना में तो आरएनए है, तो भी कैसा करना है। तो हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी डीएनए टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी है। तो डीएनए को तोड़ के जब उसको आरएनए बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। अभी यहां क्या हो रहा है कोरोना के टेस्टिंग में, आरएनए को जोड़ के डीएनए बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए को जोड़ के डीएनए बनाया जा रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर टेस्ट। तो ये आरटीपीसीआर में आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स उसको डीएनए में कन्वर्ट करके वो डीएनए को डिटेक्ट करना है और वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव या नेगेटिव है देखते हैं। अब यह कैसे होता है कि नाक में से सिक्रीशंस जो है या थ्रोट में से स्वैब लेते हैं, सिक्रीशंस लेते हैं और उसको मशीन में डालते हैं और वो उसमें देखते हैं कि भाई आरएनए है कि नहीं है, मतलब तो आरएनए है कि नहीं देखने के लिए आरएनए को कन्वर्ट करना है डीएनए में। और वो जो कन्वर्शन करने के लिए समझो अभी एक आधी चक्की घुमाना पड़ता है, साइकिल घुमाना पड़ता है, तो कितने साइकिल घुमाने के बाद में आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में हुआ और वो दिख गए कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस दिखने के लिए कितने साइकिल घुमाने पड़े, तो उसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशहोल्ड सीटी। समझो 5 बार साइकिल घुमाया हो और 5 बार साइकिल घुमाने के बाद में आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में हो गया और मिल गया हो, कोरोना वायरस का आरएनए मिल गया डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद में, तो उसका सीटी वैल्यू आएगा 5 बार, क्योंकि 5 साइकिल घूमे। तो ऐसा उसका 35 बार मैक्सिमम घुमाते हैं, तो 35 बार साइकिल घूम रही है और 35 बार घुमाने के बाद में भी दिखा नहीं, तो इसका मतलब वो टेस्ट निगेटिव है। हो सकता है कि 2 बार ही साइकिल घुमाया और फटाक से दिख गया कोरोना वायरस, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीटी स्कोर हो गया 2। हो सकता है कि 20 बार साइकिल घुमा रहे और बाद में कोरोना वायरस दिख रहा, तो फिर सीटी स्कोर हो गया 20, साइकिल थ्रेशोल्ड हो गया 20, मतलब ज्यादा घुमाना पड़ा उसको, बहुत ज्यादा घुमाना पड़ा और बहुत ज्यादा घुमाने के बाद में यदि कोरोना वायरस दिख रहा है इसका मतलब कोरोना वायरस का लोडिंग जो है बहुत कम है, मात्रा जो है कम मात्रा में। समझे, देखा एक आधी जूस वाली मशीन है, अभी वो जूस की मशीन है, जूस तैयार, उसमें हम आम डालते हैं और चक्का उसको घुमाते हैं, उसका हैंडल घुमाते रहते हैं, तो हो सकता है कि पहले हैंडल में दूसरे हैंडल में जूस आएगा नहीं आम का, और फिर कुछ हैंडल 5, 6, 7 बार घुमाने के बाद में आम का जूस नीचे निकलेगा। अभी समझो वही अमृत है, उसका समझो हम डालते हैं, उसको तो जूस रहता ही नहीं, उसको डालते हैं बहुत घुमा रहे, ताकत से घुमा रहे, हो सकता है कि कुछ जूस उसका निकलेगा, मगर 15-20 बार उसको घुमाना पड़ेगा, तो उसका सिटी वैल्यू हो गया अमृत का 15 और आम का हो गया 5। और यदि हम उसमें अंगूर डालते हैं फटाक से जूस निकलेगा 2-3 बार मतलब साइकिल घुमाने के बाद में फटाक से उसकी वैल्यू हो जाएंगी 2। वैसे इसका है कि कितने बार साइकिल घुमाना पड़ेगा और 35 बार घुमाना पड़ेगा और 35 बार घुमाने के बाद में दिख गया कोरोना वायरस तो उसकी वैल्यू होगी 35। मगर इसका सीवियरिटी सीरियसनेस से कोई संबंध नहीं है, मतलब हो सकता है कि सीटी वैल्यू 35 है, कोरोना वायरस का लोडिंग बहुत कम है, तो कोरोना वायरस बहुत कम मात्रा में, ऐसा उसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना मात्रा वायरस कम है बराबर है, मगर वो कब मल्टीप्लाई हो जाएगा फास्ट और कब मल्टीप्लाई होकर कब रौद्र रूप धारण करेगा 1-2 दिन में ही आपको पता नहीं है।
तो मतलब सीटी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब बेफिक्र रहना ऐसा भी नहीं है, वो फटाफट फटाफट बढ़ सकता है। हमको इतना ही सीटी वैल्यू से मालूम पड़ता है कि ज्यादा है कि कम है कोरोना, बस इतना ही है। अब इसका कितना कितनी रिलायबिलिटी है, आरटीपीसीआर की रिलायबिलिटी कितनी है? तो क्या होता है कि रिलायबिलिटी ऐसी है कि उसका 100 लोगों को सिम्टम्स हैं और 100 लोगों को टेस्ट किया तो हो सकता है कि 10 से 30 लोगों में, 10-30 लोगों में लक्षण दिखने के बावजूद भी आरटीपीसीआर निगेटिव आ सकती है। इसको बोलते हैं फाल्स निगेटिव टेस्ट। मतलब लक्षण है, सब दिख रहा है, क्लिनिकली दिख रहा है कि कोरोना है, मगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ गई। मतलब रिलायबिलिटी इसकी इतनी हो गई, 70 से 90, 70-90% रिलायबिलिटी है उसकी। हो सकता है कि है और तभी भी वो निगेटिव है। देखो फाल्स पॉजिटिव नहीं रहता कभी भी। फाल्स पॉजिटिव मतलब वो दिख गया कोरोना तो नहीं, नहीं कोरोना दिख गया है मगर लक्षण नहीं है तो कोरोना नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना दिखा मतलब कोरोना है, भले लक्षण रहो कि नहीं रहो। उल्टा हो सकता है कि भाई लक्षण है मगर कोरोना दिखा नहीं, उसको बोलते हैं फाल्स निगेटिव टेस्ट। और वो डे वन में किया तो 100% लोगों की फाल्स निगेटिव आ जाएंगी, डे वन में किया तो। डे फोर में किया तो 67% की फाल्स निगेटिव आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि भाई कोरोना की टेस्ट करना है तो 5वें से 7वें दिन करना जरूरी है, और 5वें से 7वें दिन आप करते हैं जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का माना जाता है, तो फाल्स निगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट से आप ये टेस्ट करवा लेना है। आरटीपीसीआर टेस्ट लक्षण है तो बिल्कुल करवा लेना है, और आरटीपीसीआर निगेटिव है मगर लक्षण है, निगेटिव है मगर लक्षण है, इसका मतलब कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 10 से 30% लोगों में ऐसा हो सकता है, 10 से 30%, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि लक्षण है मगर आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव है। आप जरूर अपनी टेस्ट करा लो, थोड़े भी लक्षण है तो फिक्र करना नहीं है, मतलब चिंता करना नहीं है कि अभी कोरोना निकला तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल जाना है, टेस्ट करना है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, फटाफट जाकर टेस्ट कर लो ताकि आप आइसोलेट कर सकते। यदि आपको ये आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन के बारे में कोई भी सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए हमें कॉल किएगा और क्लैरिफिकेशन के लिए, और संजीवनी कोविड सेंटर में आप आके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।